असमंजस में हूँ थोड़ी, हूँ कंफ्यूज्ड। हिंदी में दिल की बात कहूँ या इंग्लिश का करूँ यूज? असमंजस में हूँ थोड़ी, थोड़ी हूँ कंफ्यूज्ड। हिंदी में दिल की बात कहूँ या इंग्लिश का करूँ यूज? एक तरफ राष्ट्रभाषा है, दूसरी ओर भाषा का राजा। एक तरफ राष्ट्रभाषा है, दूसरी ओर भाषा का राज है। इंग्लिश नहीं आने पर शर्म है आती, माँ हिंदी इज बैड कहने पे नाज है। इंग्लिश नहीं आने पर शर्म है आती, माँ हिंदी इज बैड कहने पे नाज है। अगर किया शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो बढ़ जाती है लोगों में खराश। अगर किया शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो बढ़ जाती है लोगों में खराश। बट कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोलने इज सच अपनास। हम तो जानते थे चाचा मामा बुआ मौसी क्या रिश्ते नाते हैं। हम तो जानते थे चाचा मामा बुआ मौसी क्या रिश्ते नाते हैं। बट न्यू जनरेशन के लिए तो हर कोई अंकल आंटी हो जाते हैं। बट न्यू जनरेशन के लिए तो हर कोई अंकल आंटी हो जाते हैं। मानती हूँ इंग्लिश आना ज़रूरी है, पर हिंदी तो ऐसे मत बोलो कि कोई मजबूरी है। देश पहले से ही बटा है, देश पहले से ही बटा है। भाषा के आधार पे अब तो मत बांटो, भाषा के आधार पर और तो मत बांटो। एक भाषा देश को जोड़ सकती है, एक भाषा देश को जोड़ सकती है। बस अपने कट्टरवादिता को छांटो, बस अपने कट्टरवादिता को छांटो। प्रोफाइल बनी अंग्रेजी में, हिंदी हर जगह नदारत है। प्रोफाइल बनी अंग्रेजी में, हिंदी हर जगह नदारत है। और ज्ञान दे रहे हैं संसार को, जैसे हम ही पंडित और विशागत हैं। आज आप सभी सोच रहे होंगे कि कितना ज्ञान दे रही है सोनाली। चलिए बताते हैं कुछ हमारी औरों की क्या बात करें, कुछ अपनी बात करते हैं। भाषाओं का कोई ध्यान नहीं, तुकबंदी में बनी कविताएं, छंद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं हमें। आखिर में कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। जैसे तो कहने को सिंगार 16 है, कहने को तो सिंगार 16 है, पर इनमें सबसे खूबसूरत माथे की बिंदी है। इनमें सबसे खूबसूरत माथे की बिंदी है। ठीक वैसे ही भाषाएं तो हजार है, ठीक वैसे ही भाषाएं तो हजार है, पर इनमें सबसे खूबसूरत हमारी प्यारी हिंदी है, हमारी प्यारी हिंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया।